ये है हालात मनाली का। रास्ता पूरा ख़राब हो गया है क्योंकि जानते हो कि बाढ़ आया था यहाँ पे बहुत बारिश के वजह से। मैं अभी हूँ मनाली में और कुछ देर में निकल जाएंगे जिस्पा के लिए। होटल रास्ते के पास लिया था कल रात कि आज जल्दी जल्दी निकलेंगे, लेकिन नहीं हो पाया और टाइम हो रहा है 1:06। मैं अभी हूँ होटल बियास रेसिडेंसी में। ये है होटल, होटल बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लोग कभी भी यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे रहना चाहते हो रह सकते हो। मैं होटल का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप लोग कलेक्ट करके यहाँ पे बुक कर सकते हो रूम। चलिए हम लोग रेडी हो चुके हैं और लगेज देखिए इतना सारा लगेज, और इस बाइक में भी तो बहुत सारा लगेज। देखिए अभी मनाली में पूरा खाली है। अंकल जी होटल भी बंद कर रहा है, लोग इतना नहीं है यहाँ पे। चलिए आप लोग मेरे साथ रहिए, तो अंकल जी आते हैं। ठीक है, अच्छे से रहिए। अंकल जी बोला कि लेह लद्दाख के लिए अभी कोई परमिट नहीं लगेगा, आप लोग सीधा जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रोहतांग पास जाना है तो उसके लिए परमिट लगेगा। और शुरू हो गया है ख़राब रास्ता मनाली से। देखिए ये हालत है मनाली का, भी अभी का हालत ये है, मतलब बहुत ही ख़राब। तो ये है हालत मनाली का, रास्ता पूरा ख़राब हो गया है क्योंकि जानते हो कि बाढ़ आया था यहाँ पे बहुत बारिश के वजह से, तो रास्ता पूरा ख़राब हो चुका है। और हम लोग का भी जा रहे हैं आगे। देखिए हालत, देखिए पूरा रास्ता मतलब धस गया, रास्ता बहुत ही ख़राब है भाई, और पूरा जान निकल गया। और भी ख़राब रास्ता है सामने, बहुत ही धूल उड़ रहा है और हालत बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे जो छोटा हाथी है वो पलट गया है, तो एक क्रेन आ चुका है इसको उठाने के लिए। तो यहाँ पे लीटर चल रहा है 89.71। ओह माय गॉड, और एक ट्रक आ रहा है। और देखिए चारों तरफ सिर्फ तबाही दिख रहा है। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, रास्ता अभी खाली है। और यहाँ पे देखिए कुछ लोग कर रहा है साइकिलिंग, बहुत ही सुंदर है वो जगह, बहुत ही सुंदर है भाई। पहाड़ बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। यहाँ पे देखिए 200 रुपया लगेगा। यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटीज़ है वो आप लोग कर सकते हो। ये देखिए भाई पैराग्लाइडिंग चल रहा है यहाँ पे, ये हुआ ना मज़ा। वहाँ पे एक रोपवे दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे कुछ फॉरेनर घूमने के लिए आ चुके हैं और रास्ते का काम जारी है। तो यहाँ पे आने के बाद और गर्मी नहीं लग रहा है भाई, एक ठंडी ठंडी एयर फ्लो हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारा बाइकर वापस जा रहा है। ये देखिए भाई साहब नज़ारा देखिए, ये होता है असली नज़ारा। पर देखिए बादल दिख रहा है और पूरा ग्रीनरी छाया हुआ है चारों तरफ। लगभग 20 किलोमीटर राइड करके आ चुके हैं मनाली से, और अभी टाइम हो रहा है 2:36। 69 किलोमीटर अभी भी बाकी है, और भी 2 घंटा लगेगा जिस्पा। तो आज का राइड बहुत ही छोटा है लेकिन धमाकेदार है भाई, पूरा रास्ता ही खराब हो चुका है। लेकिन मनाली के बाद थोड़ा रास्ता ठीक ठाक मिल रहा है, तो धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि ज़्यादा हड़बड़ी करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आ चुके हैं अटल टनल के एकदम पास, तो यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, पिक्चर विक्चर थोड़ा खींचेंगे, उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। भाई जी टनल कितना बड़ा है? 9 किलोमीटर ना। ओके, जा रहे हैं अभी टनल के अंदर। हम लोग घुस गए अटल टनल में, और भाई देखिए नज़ारा देखिए बहुत ही सुंदर है। स्पीड लिमिट है 40.5 किलोमीटर। हम लोग आ चुके हैं अटल टनल के अंदर और अभी आगे बढ़ रहा हूँ। लग रहा है कुछ अलग दुनिया है यहाँ पे, साइड से थोड़ा पानी भी बह रही है। अटल जी का नाम से ये टनल का नाम है अटल टनल। 9 किलोमीटर का ये टनल हम लोग अभी पार कर रहा हूँ। चलिए आप लोग मेरे साथ रहिए।
आर्मी लोग ने हम लोग को बोल दिया कि आप लोग सीधा जाएंगे, कहीं पे भी नहीं रुकेंगे। हम लोग आ चुके हैं बाहर, तो लग रहा है कि कुछ दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। जब टनल से बाहर आए तो ये सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर है भाई। हम लोग घुसे थे साउथ पोर्टल से और बाहर आ चुके हैं नॉर्थ पोर्टल से। प्रोजेक्ट वेलकम टू यू चंद्रा ब्रिज। रोथांगला काजा सुंडो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में है लेह कारगिल श्रीनगर। हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे और यहाँ से देखिए लेह का डिस्टेंस है 396 किलोमीटर और कारगिल दिखा रहा है 450 और श्रीनगर 560। चलिए आगे बढ़ते हैं लेफ्ट साइड से होते हुए, आप लोग मेरे साथ रहिए। बोलिए जमनाथ। ओ अच्छा, तो मंदिर यहाँ पे है वो देखने के लिए आए हैं। देखिए बहुत ही जोर से एयर फ्लो हो रहा है, जगह भाई साहब बहुत ही सुंदर है और ये नदी का नाम है चिनाब रिवर। 30 किलोमीटर अभी आ चुके हैं और जाएंगे अभी सीधा केलोंग। केलोंग 38 ले 393। चेक पोस्ट में हम लोग रुक चुके हैं तो यहाँ पे देना पड़ेगा 100 रुपया। यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए आपसे थोड़ा पैसा ये लोग लेगा फीस। तो यहाँ पे टू व्हीलर का 50 रुपीज़, कार 200, एसयूवी का 300 और बड़ा जो ट्रक बस है उसके लिए 500। अभी पास का कोई इशू नहीं है, अगर रोहतांग पास जाना चाहते हो तभी आप लोग को पास लगेगा। कुछ देर जाने के बाद आप लोग को चेक पोस्ट मिलता रहेगा, चेक पोस्ट में पैसा देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे बस। तो कितना इजी हो गया है सब कुछ। यहाँ पर थोड़ा रुकना है क्योंकि सामने से आ रहा है बड़ा बड़ा ट्रक, रुक जाते हैं थोड़ा। बहुत धूल उड़ रहा है भाई, बहुत ही धूल उड़ रहा है और ऊपर नज़ारा तो देखने लायक है भाई, देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए धूल कैसा उड़ रहा है रास्ते के ऊपर, बहुत ज़ोर से एयर फ्लो हो रहा है। हम लोग अभी जाएंगे सीधा तंडी केलोंग होते हुए जिसपा। रास्ते का हाल देखिए बहुत ही ख़राब है तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग रुक चुके हैं। हम लोग जाएंगे धीरे धीरे क्योंकि रास्ते का हाल बहुत ही ख़राब है, देखिए। ओ माय गॉड, तो ये हो रहा है असली ऑफ रोडिंग भाई साहब, जोर का धक्का धीरे से लगे। चिनाब रिवर के पास से मैं अभी गुजर रहा हूँ और जा रहा हूँ सीधा जिसपा की तरफ। अभी भी 1 घंटा 22 मिनट दिखा रहा है, हम लोग 34 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अभी भी 45 किलोमीटर राइड करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ये क्या है, यहाँ का नज़ारा थोड़ा चेंज होते हुए भाई साहब, यहाँ का नज़ारा तो पूरा ही चेंज हो गया। लाहौल में आपका स्वागत है, हम लोग पहुँच चुके हैं लाहौल में और यहाँ पे देखिए खेती बाड़ी भी हो रहा है और सामने कुछ मजदूर भाई काम करते हुए दिख रहा है। तो ये सब बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारा देखते हुए आगे बढ़ रहे हम लोग जिसपा की तरफ। चलिए आप लोग मेरे साथ रहिए। ये है शिशु लेक और वहाँ पे बहुत सारा टेंट वगैरह है, अगर आप लोग कभी भी वहाँ पे रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। शिशु लेक तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और वहाँ पे देखिए दो बंदा भी खड़ा है लेकिन एकदम छोटा छोटा लग रहा है देखने में, मतलब सोचिए वो कितना नीचे है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए पहाड़ का नज़ारा देखिए भाई साहब, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे बहुत सारा होम स्टे भी दिख रहा है, होटल भी दिख रहा है, यहाँ पे भी आप लोग रह सकते हो। ये जो धूप है ना पूरा आँख पे गिर रहा है, बहुत ही दिक्कत हो रहा है भाई सामने देखने में। और ऊपर नीला आसमान और उसमें पहाड़, बादल भी देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। राइड करके बहुत ही मजा आ रहा है भाई। मनाली से 60 किमी राइड करके आ चुके हैं ठंडी में और हम लोग के पास जेरिकन नहीं है तो अभी खरीदना पड़ेगा जेरिकन, क्योंकि आप लोग जानते हो कि केलोंग में लास्ट पेट्रोल पंप है और ठंडी में भी एक है, तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि केलोंग में कभी कभी पेट्रोल नहीं मिलता है, तो इसीलिए हम लोग ठंडी से ही पेट्रोल भर लेंगे। और जेरिकन का जो प्राइस है ये वाला थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, तो इसका प्राइस है 150 रुपया भाई। 120 का जो जेरिकन था वही हम लोग ले रहे हैं अभी 100 रुपया में, तो चार लेंगे 400 रुपया। यहाँ पे पेट्रोल फिलिंग चल रहा है, चार जेरिकन और दो बाइक, तो चलिए आप लोग मेरे साथ रहिए। दो जेरिकन ले लिया हूँ, उसमें पेट्रोल ले लिया हूँ और यहाँ पे एक जेरिकन यहाँ पे अच्छे से बांध दिया हूँ। यह है ठंडी और भाई साहब चिनाब रिवर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे जा रहा है चिनाब रिवर और उधर से आ रहा है भागा रिवर। ये है ठंडी ब्रिज, ये है भागा रिवर और ये ब्रिज से नीचे होते हुए जा रही है और वहाँ से आ रहा है चिनाब रिवर
तो दोनों वहाँ पे आके मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों नदी यहाँ पे आके मिल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और ज़्यादा रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 5:51। ये वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर नज़ारा सामने देखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। वहाँ पे थोड़ा धूप दिख रहा है अभी भी। लास्ट पेट्रोल पंप तो ये वाला, लेकिन हम लोग पहले ही पेट्रोल भर लिया और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। होटल वैली व्यू, बहुत सारा होटल किलोंग में दिख रहा है। और यहाँ पे है एक मंदिर, और मंदिर के पीछे साइड में देखिए भाई, ये हुआ ना असली नज़ारा। कहाँ कहाँ दिखाऊँ आप लोग को भाई साहब, ये क्या है, कहाँ आ चुके हैं। देखिए नज़ारा देखिए यार, ये वाला बोल्डर उत्तराखंड यार देखो ताज़ा कर दिया भाई, क्योंकि उत्तराखंड में एक जगह में ऐसा ही सीन था। और मैं अभी हूँ हिमाचल प्रदेश में, इससे पहले उत्तराखंड घूमा, वो भी देवों का भूमि कहलाता है, और हिमाचल प्रदेश ये भी देवों का भूमि कहलाता है। और अभी टाइम हो रहा है 6:18, 73 किलोमीटर राइड कर लिया मनाली से यहाँ तक, और आगे बढ़ रहा हूँ जिस्पा में। आज रात रुक जाएंगे, कल हम लोग निकलेंगे सिंकुला पास होके पादुम के तरफ। जिस्पा यहाँ से 13 किलोमीटर बाकी है और 20 मिनट लगेगा, और मनाली से यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। और अभी 6:27 दिखा रहा है, और कुछ देर बाद आ जाएगा बार्लिंग, उसके बाद आ जाएगा जिस्पा। हमको इंडिकेटर दिखाया कि तुम इधर से आ जाओ, तो ये होता है ना असली ड्राइवर का पहचान। फ्रेंड लोग देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3, मतलब तीन जगह में स्नो दिख रहा है, तीन जगह से 3 वाटरफॉल्स गिर रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ रहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये जगह का नाम है गेमूर। जिस्मा में घुसने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बहुत ही सुंदर सा एक नज़ारा दिख रहा है सामने। अभी 7 बज रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अभी भी थोड़ा लाइट दिख रहा है। और 6 मिनट दिखा रहा है, 2.4 किलोमीटर बाद ही आ जाएगा जिस्पा। हम लोग आ चुके हैं जिस्पा में, और यहाँ पे ले लिया एक टेंट। तो हम लोग को 2 टेंट मिला है ना, और 750 करके पर हेड हो रहा है, 1500 रुपया पर टेंट का। तो अंकल जी यहाँ का ओनर है। मैं अभी हूँ टेंट के अंदर, यहाँ पे ठंड है तो इसीलिए जैकेट भी पहन लिया हूँ। भागा रिवर मेरे साइड से जा रहा है, और पहाड़ भी है और वाटरफॉल्स भी है, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे देखने के लिए है। आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलिए मिलते हैं अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू, टाटा।